नमस्कार दोस्तों, सतीश कुमार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि सर आप 10th का सिलेबस कवर कीजिए। तो मैंने सोचा नहीं, सही बात है, हमारे कुछ दोस्तों को इससे भलाई हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए, खास तौर पर वैसे स्टूडेंट के लिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ जो 9th और 10th से संबंधित है। सबसे पहले आज मैं त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति, इसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है ट्री, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रोन। ये ग्रीक के तीनों भाषा, तीनों शब्द है जिससे मिलकर के ये त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। ट्री यानी ट्री का मतलब होता है तीन। यहाँ पर ट्री जो दिखा है इसका मतलब होता है तीन। उसके बाद दूसरा है गोनिया। गोनिया का मतलब होता है कोण, गोनिया का अर्थ होता है कोण। और मेट्रन का मतलब होता है मिति यानी माप। तो आपको पता लग गया होगा कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, तीन कोणों का माप। शाब्दिक अर्थ ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का माप। इस गणित में हम, इस पार्ट में हम तीन कोणों के माप से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको जान लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वे समकोण त्रिभुज होता है। अब देख लीजिए, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। और त्रिकोणमिति में खास तौर पर हम समकोण त्रिभुज पर ही ज़्यादा काम करते हैं और उसी को देखा गया है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। सवाल जो भी पूछा जाएगा, जो कोण 90 डिग्री का होगा उसमें से सवाल नहीं रखा जाता है, बाकी जो बचा कोण है दो उस पर हम लोग सवाल पूछते हैं। एक को यदि हम अल्फा थीटा मानते हैं, दूसरे को अल्फा मानते हैं, ऐसे करके हम लोग इसको मान सकते हैं। अब देख लीजिए, सवाल में यहाँ पर असली कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है जब हम इस सवाल में मानते हैं ये नीचे वाला, ये बेस हुआ जिसको आधार बोलते हैं, आधार, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण है, ठीक। इसको एस से डिनोट करते हैं, ये आधार, आधार को बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से डिनोट करते हैं। ये तीनों चीज़ हमारे सामने में है, लेकिन एक ही थीटा रहने दीजिए, इस पर भी देखेंगे। ये तीन भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1 जो है उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, सूत्र को देख लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में एंड इन करेंगे। आधार में देख रहे हैं, आधार को हम बी मान रहे हैं, लंब को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, उसके बाद बेस, आधार। यहाँ पर कर्ण जो तिरछी लाइन है ये सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। अब जब सवाल हम बनाने के लिए चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ण तो फिक्स है, यदि हम सी को अल्फा मान ले, सॉरी थीटा मानते हैं, तो सी को जब थीटा मानते हैं तो सी के बीचों बीच हम जब चलते हैं, सामने वाला जो भुजा पड़ता है वही लंब होता है, ठीक। ये कर्ण अपने जगह पर फिक्स है, तो जब बीचों बीच हम चलते हैं ये लंब हुआ तो नीचे बचा एक कर्ण है, एक लंब हुआ और बीच में नीचे जो बच गया वो हुआ आधार। कभी कभी ऐसा भी सवाल होता है जब यहाँ पर थीटा नहीं रहने के बजाय यहाँ पर थीटा को रख दिया जाता है। उस कंडीशन में अब एक हिसाब से यदि हमको सवाल बनाना हो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बीचों बीच चलिए, चलते चलते यहाँ पर एक भुजा मिलता है ना, ये बीचों बीच चलने पर जो भुजा मिले वही लंब होता है। अब इस थीटा के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यहाँ कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए,
थीटा के हिसाब से ये हो गया अब लंब और ये हुआ आधार, ये कर्ण तो फिक्स है, यानी लंब और आधार ये बदलता रहता है, थीटा के हिसाब से काम करता है लंब आधार में। अब यहाँ पर तो आप समझ गए कि यदि थीटा जिधर रहेगा थीटा के बीचों बीच चलेंगे, जो सामने में पड़ेगा वो लंब होगा, बचा बाकी तिरछा लाइन, ये तो कर्ण होता है, बाकी जो बचा वो आधार होता है, यहाँ पर थीटा है। अब चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो सकता है, कर्ण बराबर जब इस साइड स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा, रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे दूसरे साइड लंब क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। इसी प्रकार आधार का, आधार के लिए भी होता है, इसको आप कर सकते हैं अपने से बनाइए, आधार के लिए होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसी प्रकार लंब के लिए बना सकते हैं आप, बनाइए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस प्रकार आप इस सूत्र को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के मुख्य सिद्धांत को आप समझ लिए, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के तीनों कोणों मतलब त्रिभुज के माप के संबंध में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर के बना है, त्रि गुणिया और मैट्रन, त्रि मीन्स तीन, गुणिया मीन्स क्या होता है, गुणिया मीन्स कोण और मैट्रन मीन्स माप, यानी तीन कोणों का माप यानी त्रिकोणमिति। दोस्तों अब सबका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी जो हम लोग सवाल में प्रयोग करते हैं साइन एस आई एन साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है, तो इसका विस्तृत जो रूप है इसमें हम लोग शॉर्ट का ही प्रयोग करते हैं, सिंपल रूप का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंपल रूप से ही हम लोग सवाल में प्रयोग करते हैं। अब साइन के लिए एस आई एन ई होता है, साइन का पूरा नाम जो है एस आई एन ई है साइन का, कॉस का पूरा नाम है कोसिन सी ओ एस आई एन ई, टेन का है टेंजेंट, ये पूरा नाम है, कोसेक का कोसेएंट कोसेकेंट, ठीक है, सेक का सेकेंट, कॉट का कोटे कोटेंजेंट, ये उसका ये पूरा नाम है, ठीक है। वैसे हम लोग पूरा नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, साइन के लिए साइन मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक यानी कॉट, यही थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसका जो बेसिक सूत्र होता है उसको देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, पी का मतलब होता है क्या, लंब, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, यानी आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी यानी लंब बट्टे आधार, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी यानी टेन में जो होगा उसका उल्टा कर दीजिए, पी बट्टे बी इसमें है टेन में तो कॉट में होगा बी बट्टे पी। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे बी, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कॉस में है बी बट्टे एच तो सेक में होगा एच बट्टे बी, और कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे पी, ये साइन का उल्टा होता है, साइन में पी बट्टे एच है तो कॉसेक में एच बट्टे पी है। ये मुख्य रूप से ये छः सूत्र पर हम लोग पहले अध्याय में छः सूत्र पर ही सवाल को बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आप मुख्य रूप से जो बेसिक जो इसमें था उसको आप जान गए, अब हम सवाल से चालू करेंगे, देखेंगे सवाल कैसे बनता है। यदि टेन ए बराबर चार बट्टे तीन है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए टेन ए पर सवाल बना हुआ है, टेन ए बराबर चार बट्टे तीन है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको ज्ञात करना है।
सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक। और टेन ए, ए पर सवाल बना हुआ है तो इसको हम ए बनाते हैं, ए को थीटा रखेंगे, यानी थीटा के स्थान पर ए है, यानी ए हुआ। अब इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, चलेगा, लेकिन आपको थीटा की जगह पर ए को रखना है। ये कर्ण है, थीटा के हिसाब से कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये कर्ण है यानी एच है, ये बीचों बीच चलेंगे, ये हो गया पी यानी लंब, और ये हुआ आधार यानी बी। अब इसमें लिखना क्या है, ए के पद में टेन का दिया हुआ है, बाकी पांच बचा। पिछले स्लाइड में हम देखे थे क्या था, छह सूत्र को देखे थे ना, साइन कॉस टेन कॉसे कॉट और सेक का, ये छह सूत्र देखे थे। छह सूत्र में से एक हमको पता है, एक अनुपात हमको पता है, बस पांच और बचा हुआ है, पांचों को ज्ञात करना है। तो लिखिए पहले टेन ए बराबर चार बट्टे तीन, यहाँ दिया है, और आगे में लिखिए टेन का सूत्र क्या होता है, पी बट्टे बी, ठीक। अगर प्रॉब्लम हो तो आप रिमाइंड कीजिए, पीछे और पीछे जा करके आप उसको देख सकते हैं क्या था। टेन बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी। अब देखिए पी के सामने में कौन है, चार, बी के सामने में कौन है, तीन। सबसे पहले पी कौन है, इसके बीचों बीच चलिए, ये हुआ पी, पी के सामने वाला को यहाँ रखे चार, और बी नीचे वाला हुआ, ये हुआ तीन, यानी हमको ए सी पता नहीं, कर्ण पता नहीं, ए सी क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़, ये लंब है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चार का स्क्वायर जोड़ तीन का स्क्वायर, रूट में लंब यानी चार चौका सोलह प्लस तीन तिया नौ, यानी हुआ कितना, रूट पच्चीस, पच्चीस को तोड़ेंगे तो हुआ पाँच, ये आया पाँच, ठीक। अब पाँच तीनों भुजाओं का मान पता है, अब अनुपात इसको निकालना है, टेन हमको पता है, साइन से निकालिए, साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, इस कोण के हिसाब से बीचों बीच चलेंगे तो पी ये हुआ, एच ये हुआ, चार बट्टे पाँच, पहले सूत्र लिख दे, पी बट्टे एच यानी चार बट्टे पाँच, साइन का निकल गया। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बट्टे एच, बीचों बीच चलेंगे ये हुआ पी, तो नीचे वाला ये हुआ बी, तीन बट्टे पाँच। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा तो हमको प्राप्त है, टेन प्राप्त है। उसके बाद सेक होता है, सेक पर चलिए, सेक थीटा बराबर होता है क्या, कॉस का उल्टा एच बट्टे बी, सेक थीटा है कॉस का उल्टा एच बट्टे बी होगा। तो अब देखिए एच क्या कहाँ पर है, एच तो फिक्स है पाँच, बट्टे बी थीटा के हिसाब से चलना है, इसमें थीटा लग गया, इसमें ए जाएगा, सब में थीटा नहीं जाएगा ए, क्योंकि ए पर सवाल है तो ए रखिए, थीटा नहीं रखना है। सेक ए बराबर होगा एच बट्टे बी, इसमें एच हुआ पाँच, अब बी में कौन है, तीन, ठीक, तीन मान हमको आ गया, बचा कौन, कॉट, कॉट थीटा यानी कॉट ए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे पी, कॉट थीटा क्या होता है, बी बट्टे पी, ये टेन का उल्टा होता है, तो इधर से चलो बी हुआ तीन, तीन बट्टे चार। अब बचा कौन, कौशेक, कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, कौशेक थीटा बराबर हो क्या होता है, एच बट्टे पी यानी साइन का उल्टा, एच बट्टे पी, ठीक, एच बट्टे पी यानी पाँच बट्टे चार। इस प्रकार हमें पांच मान जो नहीं पता था, ये पांचों मान हमको प्राप्त हो गया। प्यारे दोस्तों, आप चैनल पर बने रहें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टेंथ का संपूर्ण सिलेबस के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूँगा, और उसके बाद नाइन्थ का भी सिलेबस सामने आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।